हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नासे रोग हरे सब पीड़ा। नासे रोग, पता कौन सा रोग होता है? भव रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, ये दुख है, त्रिताप। और जब इससे निकल गए और वैकुंठ पहुंच गए तो क्या होगा? सब पीड़ा बढ़ जाएगी। तो हनुमान जी की बात मानो, क्या करो, क्या करो? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। जिस पर आपकी कृपा हो वे कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। कौन सीमा रहित, कौन सी चीज है? हर चीज की सीमा है इस भौतिक जगत में, हर चीज सीमा, सिर्फ एक भक्ति की सीमा नहीं है। आप कितना भगवान से प्रेम कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये सीमा रहित है, इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री नहीं है। तो अभिलाषा आत्मा की होनी चाहिए या शरीर की या मन की? आप क्या है? आत्मा। तो अभिलाषा किसकी होनी चाहिए? आत्मा के भले के लिए। तो आत्मा के भले की अभिलाषा क्या होती है? कि मैं कृष्णदास रामदास बनूं, ये बात है। तो हनुमान जी से यही मांगिए आज के दिन, हनुमान जी कृपा करें। क्या करें? कृपा करें। चारों युगों, सतयुग त्रेता द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान रहती है। यह है भक्त। बताइए, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अमरीश महाराज, अर्जुन, हनुमान जी, बताइए इनकी कीर्ति खत्म होती है कभी? कभी नहीं। थी है और हे श्री राम के दुलारे। तो आपको क्या बनना है? राम का दुलारा, कृष्ण का दुलारे। आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। लो जी, फिर आगे। अब आप दुष्टों के सज्जन हो, ये आप 16वां अध्याय पढ़ लेना भगवद गीता का। कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय। के सज्जन हो के दुष्ट हो, जहां आपने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा करी, दुष्ट, और जहां आपने भगवान की आज्ञा करके भगवान का भक्त बनने को तैयार हुए, हनुमान जी के उपासना करते हैं, बोलते हैं हनुमान जी घर दे दो। हनुमान जी खुद कहते हैं मेरे पास ही नहीं है। हनुमान जी धन धान्य दे दो, बोलते वो क्या होता है? मैं तो कंदमूल खा के जीता हूं, आसमान मेरा क्या है? छोटे। और आप हनुमान जी सोचते हो क्या, मानते क्या है ये लोग? आप सज्जनों की रक्षा करते हैं। असुर निकंदन रामदुर, साधु संत के तुम रखवारे। साधु संतों के रखवारे हैं, ध्यान रखिएगा। अब साधु संत कौन होता है? सिर्फ भगवान को मानने वाला नहीं। जैसे रावण के लिए कई बार लोग कहते, रावण जानता था रामचंद्र जी भगवान है, क्या फायदा हुआ? किसकी बड़ाई होती है? हनुमान जी की। हनुमान जी मानते थे राम भगवान है। कई लोग कहते हैं रावण भी जानता था भगवान है, तो क्या, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क जमीन आसमान का है। किसका है? जमीन आसमान का फर्क। रावण राम दुलारे पढ़ा है? पढ़ा आपने? हैं जी? सज्जनों की रक्षा करते हैं। सज्जन का मतलब साधु संतों की रक्षा करते हैं, और दुष्टों का, असुर निकंदन, दुष्टों का नाश करते हैं। अब आपको डिसाइड करना है असुर हो कि सुर हो। सुरा जो है पढ़े भगवद गीता, सिर्फ मानने से काम नहीं चलता। ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम मानते हैं। मानते हैं तो क्या होता है? पालन करते हो, आज्ञा का पालन, आगे जाने की कोशिश करते हो, आज्ञा का पालन करते हो, तब मानते हो।